नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी अर्जुन पटियाला के नाम से। दिलजीत दोसांझ और कृति सनन थे इस फिल्म में। इस फिल्म में सनी लियोनी भी थी। फिल्म के एक सीन में सनी एक्टर वरुण शर्मा, अरे वही फुकरे के चूचा, को अपना नंबर देती है। अब यह सीन दिल्ली के मौर्य एनक्लेव में रहने वाले एक आदमी के लिए मुसीबत बन गया है। 27 साल की पुनीत अग्रवाल 3 दिनों से बहुत ज्यादा परेशान है। उन्हें देश विदेश से 400 लोग फोन कर चुके हैं। क्यों? लोगों को सनी लियोनी से बात करनी है। दरअसल जिस सीन की हम बात कर रहे हैं, उस सीन में सनी द्वारा दिया गया नंबर पुनीत का है। अब इस नंबर पर दिन रात फोन आ रहे हैं। पुनीत इतना त्रस्त हो गए हैं कि उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर के एक शिकायत दर्ज करवाई है। पुनीत एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में पुनीत कहते हैं कि शुक्रवार को सनी लियोनी की फिल्म अर्जुन पटियाला रिलीज हुई। फिल्म के एक सीन में वो सह अभिनेता वरुण शर्मा को अपना मोबाइल नंबर देती हैं, जो कि मेरा नंबर है। शुक्रवार से ही लोग मेरे पास सनी से बात करने के लिए फोन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस भेज रहे हैं। वहीं कुछ लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। पुनीत ने यह भी बताया कि उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल फिल्म में बिना उनसे पूछे किया गया है। साथ ही उनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो किसी को जानते हैं। ये शिकायत उन्होंने मौर्य एनक्लेव के थाने में की है, पर पुलिस ने अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। नतीजतन पुनीत को अभी भी लगातार ऐसे फोन आ रहे हैं। पुनीत के मुताबिक वो इस चीज से इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो ये मामला कोर्ट तक लेकर जाएंगे। इसके लिए उन्होंने वकील से भी बात कर ली है। साथ ही वो फोन पर कही जा रही बातों को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ताकि वो सबूत के तौर पर उन्हें पेश कर सकें। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी फिल्मों में और शोज में ऐसा किया जा चुका है। जैसे कई साल पहले किसी ने कौन बनेगा करोड़पति पर अमिताभ बच्चन से उनका नंबर मांगा। अमिताभ ने मन में कोई नंबर बनाकर नंबर दे दिया, पर वो वाकई किसी का फोन नंबर निकला। वो आदमी परेशान, उसे दिन रात फोन आने लगे। ये बात खबरों में भी आई। इसके बाद अमिताभ को शो पर माफी मांगनी पड़ी। तो अगर आप भी फिल्मों में कोई मोबाइल नंबर सुनकर उस पर कॉल करना शुरू कर देते हैं तो रुक जाइए, वो असली नहीं होते। लेकिन कभी कभार वो नंबर किसी ऐसे शख्स का निकल आ सकता है जिसका उस फिल्म से कोई भी लेना देना ना हो, जैसे कि इस केस में हुआ। अब इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी ललन टॉप को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।